यहाँ एक बड़ा ढांचा खड़ा किया जा रहा है, एक विशाल टेलीस्कोप। नाम है नंबर वन। इसका व्यास है 23 मीटर और ऊंचाई 45 मीटर। ढांचा अल्ट्रा लाइट कार्बन फाइबर और स्टील की ट्यूबों से बना है। कांच भी बहुत ही हल्के हैं ताकि सेकंडों के भीतर टेलीस्कोप को किसी भी दिशा में घुमाया जा सके। जर्मनी में म्यूनिक के वैज्ञानिक इस मेगा प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के गार्डन में उन्होंने एक बड़ा मॉडल बनाया है। मॉडल बनाने से पहले उन्होंने निर्माण की जरूरतों पर विस्तार से ध्यान दिया और टेस्ट किया। हमने कार्बन फाइबर के ढांचे पर कांच लगाने के लिए कई कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट किए। हमने डिश पर लगाने के लिए नया उपकरण भी विकसित किया। यहाँ हमने उसका टेस्ट किया कि वह काम करता है, ताकि जब हम लापालमा जाएं तो उसे सीधे प्लग कर सकें। 3 साल तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों की 100 टीमों ने 40 करोड़ यूरो के इस प्रोजेक्ट पर काम किया। ये विशाल दूरबीन उन गामा किरणों को दर्ज करती है जो ब्रह्मांड से पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंचती हैं। गामा किरणें कई प्रकार से पैदा हो सकती हैं, जैसे दूसरी आकाश गंगाओं में तारों में होने वाले विस्फोट यानी सुपरनोवा से। इसके बाद अनंत की यात्रा पर निकली ये किरणें पृथ्वी तक भी पहुँचती हैं। लापालमा में पहले प्रोटोटाइप के उद्घाटन के वक्त डेविड ग्रीन भी मौजूद थे। उन पलों से वो आज भी रोमांचित हो उठते हैं। ये मौका आधा पार्टी जैसा था और आधा वैज्ञानिक गोष्ठी जैसा। हर कोई बहुत खुश था क्योंकि पहला टेलीस्कोप तैयार हो चुका था, लेकिन उस वक्त हमें ये भी पता था कि अभी आगे बहुत काम बचा है। डाटा सटीक ढंग से रीड होना चाहिए, कैमरे सही से काम करने चाहिए और सब ठीक ढंग से ऑपरेट होना चाहिए। ब्रह्मांड के इन रहस्यों पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों के पास अब बहुत दूर तक झांकने वाली एक विशाल दूरबीन है। ये यूरोपीय वेधशाला 2048 तक डाटा जमा करती रहेगी।